हेलो स्टूडेंट्स, हाय, आई एम देवराज आर्य फ्रॉम इंग्लिश विद देवराज आर्य चैनल्स। पिछले वीडियो तक हमने क्लास 10th की इंग्लिश जो है उसका लेसन 5 कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं द स्नीज लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स और साथ में वर्ड पावर्स। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको क्वेश्चन आंसर्स विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाने वाले हैं, यानी हिंदी में भी उनको बताएंगे, क्वेश्चन को भी समझाएंगे और आंसर को भी समझाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने है वर्ड पावर। वर्ड पावर का अर्थ होता है कि आप इस लेसन में कुछ शब्द ऐसे थे जिनके आपको सिनोनिम से पता होने चाहिए, जिनके एंटोनिम से पता होने चाहिए। तो यदि आपने लेसन अच्छे से समझा है तो आप वर्ड पावर आराम से कर सकते हैं। बी वाला वर्ड पावर है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है, जो नीचे एक क्वेश्चन दिया है उसके तीन अल्टरनेट दिए हैं, आपको इस वर्ड में का तीन अल्टरनेट में से एक छांटना है, ठीक है? यानी कि आपको क्या करना है, सिनोनिम्स, समझ गए आप? सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। तो सबसे पहला है क्रॉल। क्रॉल का अर्थ होता है रेंगना, ठीक है? तो रन यानी दौड़ना, टू मूव स्लोली धीरे धीरे चलना, और जंप यानी कूदना। तो एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे, टू मूव स्लोली इसका सही आंसर है, ठीक है? पेवमेंट, पेवमेंट का अर्थ होता है फुटपाथ, ठीक है? तो आप पहला ही ऑप्शन में आप समझ गए होंगे, फुटपाथ। पेवमेंट यानी कि ऐसी जगह जहां पर जो है पैदल यात्री सड़क पर चलते हैं उसे पेवमेंट कहा जाता है। स्नीज, स्नीज का अर्थ होता है छींकना, ठीक है? तो स्नीज यानी छींकना होता है, तो आप पूरा लेसन स्नीज के ऊपर ही था, तो इसको भी आप अच्छे से जान चुके होंगे। ब्रेथ, बेल्च, सडन एंड नॉइजी रिलीज एयर थ्रू नोज। क्या होता है, अचानक आपकी नाक में से एक रफ्तार के साथ तेज हवा जब आप बाहर फेंकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, छींक कहा जाता है, कि ये छींक दिया, ठीक है? मैलाइस, मैलाइस का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन। तो इसका सही ऑप्शन है विश टू हार्म अदर्स, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा करना, यानी कि जलन करना। ओके, स्पैटर, स्पैटर का अर्थ होता है किसी चीज को मतलब छित्रित करना, यानी कि छींटों के रूप में किसी के ऊपर डालना, इसको कहते हैं स्केटर, है ना? स्केटर यानी कि उथल पुथल कर देना, अव्यवस्थित कर देना। चलिए सी वाला वर्ड पावर देखते हैं। आपको कुछ वर्ब दी गई थी, उन वर्ब से आपको क्या बनानी थी, नाउन बनानी थी। तो हमने आपको आंसर करके दिया है, प्रोहिबिट जो वर्ब है उसका नाउन होता है प्रोहिबिशन, डिफाइन जो वर्ब है उसका नाउन होता है डेफिनेशन, आइडल जो वर्ब है उसका होता है आइडलनेस, कंसीडर जो वर्ब है उसका नाउन होता है कंसिडरेशन, ठीक है? यानी अधिकतर आपको क्या करना है, जैसे कि हम वर्ब बनाते हैं तो वर्ब के बाद में उससे यदि आपको एडजेक्टिव बनाने के लिए दिया जाता है, नाउन बनाने के लिए दिया जाता है, तो आपको क्या करना है कि उसमें टी आई ओ एन अधिकतर क्या लगते हैं, टी आई ओ एन लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ से, है ना? क्वेश्चन आंसर है तो देखिए ए वाले क्वेश्चन के आंसर से देखेंगे। क्वेश्चन आप सामने यदि बुक रखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आप सभी जो है बुक खोल लीजिए और उनमें क्वेश्चन, ए वाले क्वेश्चन देखते जाइए और मैं आंसर आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, हु वाज सर्वाइकॉफ, यानी सर्वाइकॉफ कौन था? तो सभी को पता है सर्वाइकॉफ कौन था, सर्वाइकॉफ वाज ए माइनर ऑफिशियल। क्या, कौन था वो, एक छोटा सा अधिकारी था, ठीक है, जिसको हम चरवाइकॉफ भी पढ़ते हैं और सर्वाइकॉफ भी पढ़ते हैं। ये नाम है, आप जैसा इसको बोल सके वैसा बोल सकते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज चरवाइकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस। जो चरवाइकॉफ था वो ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था वो, क्या क्यों गया था? तो चरवाइकॉफ वाज वॉचिंग ए फेमस ओपेरा इन द ओपेरा हाउस। क्या कर रहा था वो, ओपेरा हाउस में एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था, यानी कि नाटक देख रहा था, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस। अब ओपेरा हाउस में क्या हुआ, कौन सी घटना घटित हो गई जिसके कारण लेखक को ये लेसन लिखना पड़ा? तो सर्वाइकॉफ
स्नीज्ड, सरवाई कॉप ने क्या कर दिया वहां पे, स्नीज्ड इन द ओपेरा हाउस, सरवाई कॉप ओपेरा हाउस में छींक दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आएगा फोर्थ, व्हाई डिड चरवाई कॉप फील अशेम्ड, चरवाई कॉप जो था वो फील अशेम्ड है ना, वो शर्मिंदगी महसूस क्यों कर रहा था। आंसर है चरवाई कॉप फेल्ट असेम्ड बिकॉज ही स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन जनरल ब्रिजलॉफ, वहां इसलिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि वह एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम क्या था, जनरल ब्रिजलॉफ, उसके ऊपर छींक दिया था, इसलिए वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। क्वेश्चन 5 है, हु वाज द पर्सन ऑन हुम चरवाई कॉफ स्नीज्ड, वह व्यक्ति कौन था जिसके ऊपर चरवाई कॉफ स्नीज्ड ने छींका था। तो आंसर है द पर्सन ऑन हुम चरवाई कॉफ स्नीज्ड वाज जनरल ब्रिजलॉफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, वह व्यक्ति जिसके ऊपर चरवाई कॉफ छींका था वह जनरल ब्रिजलॉफ था, जो कि कहाँ का जनरल था, हाईवे डिपार्टमेंट का जनरल था। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड चरवाई कॉफ आफ्टर स्नीजिंग, चरवाई कॉफ ने स्नीजिंग के बाद क्या किया, है ना, क्या करना चाहता था, वो छींक दिया, गलती हो गई उसके हाथ, तो क्या करना चाहता था। तो आफ्टर स्नीजिंग चरवाई कॉफ थॉट दैट दो ब्रिजलॉफ वाज नॉट हिज चीफ, है ना, चरवाई कॉफ ने छींकने के बाद सोचा, ये थॉट है और ये दो है ना, थॉट यानी सोचा और दो यानी यद्यपि, चरवाई कॉफ ने सोचा कि यद्यपि ब्रिजलॉफ उसके यानी उसके विभाग का क्या नहीं है, चीफ नहीं है, उसके विभाग का मुखिया नहीं है, बट इट वॉज ऑकवर्ड, लेकिन ये बहुत अजीब घटना थी, एंड ही मस्ट अपोलोजाइज, और उसे जरूर अपोलोजाइज करना चाहिए यानी माफी मांगना चाहिए। ध्यान रखिए ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इस लेसन के लिए, कि ब्रिजलाफ ने क्या सोचा कि जनरल ब्रिजलाफ उसके विभाग का बड़ा अधिकारी तो नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटी है ये बहुत ही अजीब है और उसे जरूर जाकर माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, व्हाट डिड चरवाई काफ से वाइफ एडवाइज हिम, चरवाई काफ की वाइफ ने उसे क्या सलाह दी, है ना, तो चरवाई काफ की वाइफ ने भी उसको बोला कि आपको जाना चाहिए, है ना, माफी मांगना चाहिए। तो चरवाई काफ वाइफ एडवाइज्ड हिम दैट ही मस्ट अपोलोजाइज टू जनरल, है ना, चरवाई काफ की वाइफ ने उसको एडवाइस दी कि आपको जनरल से जरूर माफी मांगनी चाहिए, एल्स अन्यथा ही वुड थिंक दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, अन्यथा वो ऐसा सोचेंगे कि तुम्हें सोसाइटी में समाज में रहने का तरीका नहीं है, यानी कि जनरल ब्रिज से आपको माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उसकी वाइफ ने उसको एडवाइज किया, और साथ में ये भी कहा कि यदि आप माफी नहीं मांगेंगे तो वो सोचेंगे आपको सोसाइटी में रहना नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, वर्ड पावर में सिनोनिम समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बी वाले और साथ में कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी हैं वो भी करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए वीडियो, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।